नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास के हरियाली तीज व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए शिव जी और पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। गौरा माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से माता पार्वती शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती थी और उनके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तपस्या की। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी हुए। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर विष्णु भगवान के सामने जाकर नारद मुनि बोले, प्रभो, हिमालय अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह आपसे करना चाहती है। भगवान विष्णु जी ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका भी वह विष्णु भगवान से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भगवान शिव जी को पाने के लिए यह तप कर रही है। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल के बीचों बीच एक गुफा में छोड़ आई। वहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु जी को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुंचे जहां माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव जी से विवाह करने का अपना संकल्प के बारे में बताया और भगवान शिव द्वारा वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने विष्णु भगवान जी से माफी मांगी और वे भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय के बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ पूरे विधि विधान के साथ करा दिया। मान्यता है कि उस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वह मनचाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दांपत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। प्रेम के लिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया मां रहती थी। मां बहुत ही गरीब थी और उसकी आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहती हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे तो मांग ले और तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगू। तब गणेश भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और कहा, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझसे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगू। तब बेटा बोला कि मां, देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया अपनी बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। बुढ़िया माई सोचती है कि या तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़ी ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू तो अपने लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ गई। तब गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए, तुम्हें मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा, यदि भगवान मुझसे प्रसन्न है तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दे, पोता दे और परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दे। ये सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया।
ये गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर प्रसन्न होकर बुढ़िया को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना, अपने सभी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय हो।